अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम इरफान रजाक है और अभी आप देख रहे हो लेट्स एक्सप्लोर विद इरफान चैनल। तो टुडे आवर डेस्टिनेशन इज बारसू नियर लैतपुरा और वहां पे हम एक पहाड़ क्लाइंब करने वाले हैं और ऑल द फुटेज आर देयर इन द वीडियो। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, आखिरकार वो कश्ती मिल ही गई। कश्ती मिलने के बाद हम सीधा पहुंचे गलंदर हाईवे और यहां से पामपुर में मौजूद दूर दराज फैले हुए जाफरान के ना खत्म होने वाले खेतों को देखते हुए हम पहुंच गए लैतपुरा मार्केट। गाड़ी से उतरने के बाद फौरन हमने पैदल चलना स्टार्ट किया और थोड़ी देर पैदल चलने के बाद आप जैसा देख सकते हैं पीछे हमारी डेस्टिनेशन साफ दिखाई दे रही थी। As we all know, things never gonna happen according to our plan. लैतपुरा पहुंचने के बाद पता चला जिस पहाड़ पे हमें क्लाइंब करना है उसके आगे एक आर्मी कैंप है। Because of that, we change our destination. तो रास्ता बदलने के बाद हम जैसे ही यहाँ पहुंचे, यहाँ आने के बाद पता चला कि this is much more better. And here I learned a life lesson. Most of the time, you just need to change the way towards your destination, और चीजें amazing से extraordinary हो जाती हैं। And don't stop yourself to reach out there. यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस शूट की सेब के बागात की, जैसे कि आप आगे देखोगे। और तकरीबन कुछ आधा घंटा चलने के बाद हम पहुंचे इस गांव में जो कि लैतपुरा से थोड़ा आगे और बारसू से पहले पड़ने वाला ये गांव। और जब कभी भी आप किसी गांव की गली से गुजरते हो तो आप नेचर को एक्चुअली फील करते हो। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉल ऑल द मेमोरीज। आफ्टर रीचिंग दिस प्लेस एज यू कैन क्लियरली सी द व्यू बिहाइंड मी, इट इज मोर एक्साइटिंग एंड अमेजिंग। And now I am more curious and enthusiastic to explore more. And this is what it makes a perfect village. और इतने सारे amazing shot उठाने के बाद हम निकल पड़े अपनी final destination की ओर। और एक घंटा और सफर करने के बाद हम पहुंचे बारसू, ये लैतपुरा से कुछ 3 किलोमीटर आगे। बारसू विलेज को पार करने के बाद हम आधा घंटा लगातार पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ पहुँचने के बाद पहाड़ की चोटी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है और अभी कोशिश यही है कि उसके नीचे जल्दी जल्दी पहुँचा जाए ताकि ट्रैकिंग स्टार्ट की जा सके। यहाँ पहुँचने के बाद वी टेक सम रेस्ट एंड वी ड्रिंक सम वाटर बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लूज अवर एनर्जी बिफोर स्टार्टिंग द ट्रैकिंग। अब बस थोड़े ही पलों की देरी है और हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। एंड फाइनली द मोमेंट अराइव्ड वेयर वी स्टार्ट ट्रैकिंग द माउंटेन। एंड नाउ यू हैव टू ओपन द विंडो ऑफ योर हार्ट एंड यू हैव टू फील इट।
एक बार की बात है ना कि एक बंदे ने सोचा कि मैं चांद पकड़ूंगा दूर की पहाड़ी पे चढ़ के। जब वो वहां पे पहुंचा तो वहां पे एक और ऊंची पहाड़ी थी जहां से चांद दोबारा दिखाई दे रहा था। और फिर उसने सोचा कि अगली पहाड़ी पे चढ़ूंगा और मैं चांद पकड़ूंगा। आज वही सीन हमारे साथ भी हो गया। हमने जब आए थे तो पहली पहाड़ी जो नीचे आप देख रहे हैं, हमने सोचा था कि हम यहीं तक जाएंगे और वहां से अच्छा व्यू मिल जाएगा। जब यहां पे पहुंचे तो यहां से थोड़ी ऊपर चढ़ने की एक और पहाड़ी दिखी जो अभी जहां पे हम खड़े हैं। तो यहां पे पहुंचने के बाद पता चला कि एक और है ऊपर। तो मैं ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहता क्योंकि ज्यादा से ऊपर से मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा व्यू आएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद भी आप पीछे देख सकते हो कि सारी धुंधली धुंधली हो चुकी है, कोई अच्छा व्यू आ नहीं रहा। तो फाइनल डेस्टिनेशन यही रहेगी। और फाइनली पहाड़ पे पहुंचने के बाद हमने वहां पे थोड़ी रेस्ट की और बहुत सारी वीडियोस भी शूट की। यहां से दिखने वाला मंजर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहां से हम पामपुर को भी क्लियरली देख सकते हैं। Having this incredible journey, we decide to come back to our home. और यहाँ से वापस आते वक्त तकरीबन आधा घंटा लग गया हमें पहाड़ नीचे उतरने में। So this was all about today's vlog. I hope you all like the video and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon also. Share with your friend and follow me on Instagram also.